भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था ठीक किसी जगह पे रैली हुई थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब रविंद्र रैना जी आए थे, उन्होंने कहा था ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक डबल ट्रिप वो लक्ष्य हमने पूरा किया। अब अगला जो लक्ष्य हमारा है कि दिल्ली हुई हमारी है, अब से कहूंगा जो गलती से वोट कांग्रेस को करेंगे तो कांग्रेस का कैंडिडेट जम्मू में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ अगर कोई मिलेगा तो शक्ति परिहार आप सब आपके सामने खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा, यहाँ के हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी कोशिश इन्होंने की, पूरी कोशिश यहाँ की, बड़ी बड़ी वीडियो चलाई कि देखो बीजेपी के लीडर्स क्या कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, जात पात में बांटने की कोशिश की, लेकिन एक नाकाम कांग्रेस के लोगों की यहाँ करें, ये 18 तारीख तक ही खतरा होगा, उसके बाद कोई खतरा यहाँ किसी को नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा जब खतरा कभी होगा तो शक्ति परिहार का सबसे पहले होगा, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े होंगे। जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट का चुनाव हमने देखा, उसके बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ जात पात में बांटने की कोशिश की, लेकिन जब हार के गए उसके बाद खामोश सन्नाटा कोई यहाँ पे नहीं दिखा। हमने तब भी कहा था कि यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीत के जाएंगे, और आज इस मंच से कह रहा हूँ कि गोड़ा वेस्ट की सीट बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और आज अपोजिशन के लोग समझ गए होंगे, आज वो रात को सो नहीं पाएंगे, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर लिया है, मरमत से 100-200 लोगों को उठा के वहां से चलो जी प्राणु चलते हैं, चलो जी यहाँ से असर चलते हैं, चलो जी कहीं देशा चलते हैं। अब कुछ नहीं होने वाला, एक देशा इलाका, एक ऐसा इलाका हमारा है जहाँ कांग्रेस के लोग घुस नहीं पाए हैं, एंटर नहीं हो पाए हैं। एक तरफा है भागवा, अगर आप देखें कास्तीगढ़ का इलाका, आप देखें जोधपुर तो हमारा घर है, जोधपुर में तो कोई हिम्मत नहीं करता है जाने की। हलेरी हो, मरमत हो, असर हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ चुनाव आपको पार नहीं करना है, अब आपने गणपत भी क्रॉस नहीं करना है, आपको आपका जो भी कार्यक्रम होगा हम आपके साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे। और जो पार्टी ने लक्ष्य दिया है कि जम्मू कश्मीर में हमने सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी परसों यहाँ डोडा की सरजमीन पे आए, 41 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ डोडा पे आए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना सीरियसली इस इलेक्शन को लिया है। और इस अपस्वाइट डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी 8 सीटें हैं, यहाँ पे मोदी जी परसों थे, आज अमित शाह जी रामबन में थे, किश्तवाड़ में थे, पाटन में थे, यानी 8 की 8 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है। और एक तरफ से आपके थे पार्टी के मैनिफेस्टो पर तरफ ध्यान कीजिए, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किया, डेवलपमेंट के काम किए, विकास के काम किए, और जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो लोगों को जिसका फायदा हुआ, तो पीएम किसान सम्मान निधि हो, गोल्डन कार्ड हो, राशन फ्री की बात हो, पीएमएवाई के मकान हो, वो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट उसका हुआ। और अब मोदी ने कहा है कि अब 6000 से गुजारा किसानों का है, अब 10000 उनको पास करेंगे। गोल्डन कार्ड 5 लाख का होता था, उसे अब 7 लाख किया गया है, ताकि गरीब इलाज करा सके। हमारी माताएं जब बुजुर्ग महिला जिस घर में है उनको 18000 रुपए साल का उनको उनके अकाउंट में डाला जाएगा। नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरी का जो पंडित प्रेमनाथ डोगर स्कीम तलाश की है, उसमें 5 लाख नौजवान
लोगों को जो युवा साथी हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। पीएमएलआई के मकान जो एक कांग्रेस वाले एनसी वाले दो मकान या डेढ़ मकान उनका एक साल में वो देते थे, एक पंचायत को देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी 300-400 मकान एक पंचायत में गरीबों को दिए जा रहे हैं। अभी 3 करोड़ नए मकान सेंक्शन किए हैं और जो पेंशन कांग्रेस के टाइम पे 200 रुपया दिए जाती थी और उसको लेने के लिए 1000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 1000 किया और परसों मोदी जी ने कहा है कि उसे अब 3000 किया जाएगा। कैसे कैसे लीडर कांग्रेस के बन गए, कैसे कैसे एनडीडीसी बन गए, परसों की अगर आप वो वीडियो सुनेंगे, अगर जो मुट्ठी में जो उन्होंने कहा है आप इस वीडियो को सुन ले, आप इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो शर्म आती है राणा जैसे लीडरों पर जो इस तरीके की भाषा है। भाषा का यूज किया है, भगवान ही बचाएगा उनको, उनका क्या हो सकता है आने वाले टाइम में उनका क्या हासिल होगा वो खुदा नहीं जानता। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं भाजपा के मैनिफेस्टो की बात कर रहा था, एनसी का मैनिफेस्टो जरा पढ़ के देख लीजिएगा। किसान जब इलेक्शन में जाते हैं तो हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है कि हमने सरकार बनाने के बाद क्या काम करना है, तो एनसी ने कहा है कि हम 1370 को वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ एनसी के लोगों से कि जो 1370 पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से खत्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस पर मोहर लगा दी, तो उनके 3 MP कहां से 1370 बनाए। जो जितने भी वो टेररिस्ट हो, आतंकी हो, जो जितने पीएसए में जेलों में बंद है, उनका कहते हैं कि तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इनको बाहर निकालें, ये उनका मैनिफेस्टो है। और पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, ये स्टेट का काम नहीं, ये सेंटर का काम है लोगों को केवल इमोशनल करने के लिए। लेकिन आप लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि इनका कुछ नहीं होना है। आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जब यहाँ एनसी कांग्रेस की सरकार रही, कश्मीर के अंदर आपने हालात देखे, पत्थरबाजी होती रही, हड़तालें बंद, वहां पे ट्रांसपोर्ट ठप। लेकिन आज करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट वहां पे जाता है, ये तब हुआ जब मोदी सरकार ने सबसे पहले। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दूर दराज इलाकों से आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना हमारा लक्ष्य है। और 2012 से आपके बीच में यहाँ खड़े हैं, आगे भी रहेंगे ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन एक गुजारिश आप सबसे करना चाहूंगा कि काज रात और कल का दिन है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो जो कहा गया है राम ने कहा था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, इस रात को ये कोशिश करेंगे आपके मोहल्लों में घुसने की। खासकर मैं अपने एससी भाइयों से गुजारिश करूंगा, इन्होंने आज कोशिश करते हैं, चलो जी उधर हमारे रिश्तेदार से जाएंगे फोन बजा के वहां से भेजना ताकि घरों में भी लोग रात को वहां किसी आपके गांव में पंचायत में घुसते हैं उनका ठीक ठाक हिसाब करके उनको वहां से रवाना करना। जनता को देखते हुए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये सीट जो होगी ये इस पूरे चुनाव बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी पर महत्वपूर्ण सीट है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और इस उम्मीद से यहाँ से जाऊंगा, इस उम्मीद और विश्वास से कि हमने किसी से कोई झगड़ा नहीं, झगड़ना नहीं, झगड़ता वो है जो कमजोर होता है। जब बातचीत राज
कमजोर होती है, जात पात की राजनीति वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारा लक्ष्य यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ वीडीसी का स्ट्रेंथन करना, वीडीसी का बनाना, नई वीडीसी क्रिएट करना, वो सारे इलाके में जहां जहां भी लगेगा आप चिंता मत कीजिएगा। और उसके लिए का इंतजार नहीं किया जाएगा, 18 तरीके फौरन बाद इस पूरे इलाके में वीडीसी दी जाएगी।